देश में महिला के साथ पुरुष पहलवान भी विरोध पर दिखे। विरोध के बीच जिस तरह से पहलवान हंगामा कर रहे हैं, देश में एक अलग ही तस्वीर दिख रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं देश की उस ताकतवर महिला पहलवान के बारे में जो हमेशा चर्चाओं में रही, कभी अपनी डाइट को लेकर तो कभी ना हारने को लेकर। 1950 का दशक, जब महिलाओं की कुश्ती लड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी को पता ही नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई महिला कुश्ती लड़ने के बारे में सोचेगी। उस वक्त एक नाम चर्चा में आया, वो नाम था हमीदा बानो का। हमीदा बानो एक ऐसी महिला थी जो मर्द पहलवानों को लगातार चित कर रही थी। अखाड़े में उनके आगे बड़े बड़े पहलवानों के पैर उखड़ जाते थे। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते थे, उनके मुंह पर उस वक्त ताला लग गया जब हमीदा बानो का नाम सामने आया। वो इतनी चर्चित हो गई कि उनका वजन, कद, खान पान सब कुछ खबरों में आ गया। पहलवान हमीदा बानो मिर्जापुर में पैदा हुई। सलाम नाम के एक पहलवान की उस्तादी में कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए जब वो अलीगढ़ गई, तो उसके बाद निकलकर और निखरकर सामने आई। यहीं से उन्होंने अपने पेशेवर पहलवानी करियर की शुरुआत की। देश में कोई महिला पहलवान नहीं थी जिससे वो दंगल कर सके। ऐसे में उन्होंने मर्द पहलवानों को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जो मुझे दंगल में हरा देगा वो मुझसे शादी कर सकता है। मगर ऐसा कोई पहलवान नहीं कर पाया। उस वक्त एक बाबा पहलवान को उन्होंने महज 1 मिनट और 34 सेकंड में चित कर दिया था। हारने के बाद बाबा पहलवान ने कुश्ती छोड़ दी। इसी तरह की चुनौती में वो फरवरी 1954 से दो मर्द पहलवान चैंपियनों को पहले ही हरा चुकी थी, जिनमें से एक पटियाला से और दूसरा कोलकाता से था। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वो अब तक अपने सभी 320 दंगल जीत चुकी हैं। इसी वजह से लोगों ने उन्हें अलीगढ़ की अमेजोन कहना शुरू कर दिया। हमीदा बानो, रिपोर्ट्स कहती हैं हमीदा बानो की हाइट महज 5 फीट 3 इंच थी, मगर उनका वजन 107 किलो था। डाइट ऐसी कि बड़े बड़े मर्द पहलवान भी शर्मा जाए। कहते हैं वो रोजाना 5.5 किलो दूध, 2.75 किलो सूप, करीब 2.25 लीटर फलों का जूस, 1 मुर्गा, लगभग 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां, 2 प्लेट बिरयानी खाती थी। उस समय ये भी कहा गया कि वो हर रोज 9 घंटे सोती हैं, 6 घंटे एक्सरसाइज करती हैं। उस वक्त एक महिला पहलवान से लड़का या फिर मर्द अपनी बेइज्जती समझते थे लड़ना। कई पहलवानों ने उनसे लड़ने को मना कर दिया। छोटे गामा नाम से मशहूर एक पहलवान ने भी आखिरी वक्त में उनसे लड़ने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मुकाबले में जब उन्होंने शोभा सिंह पंजाबी नाम के एक मर्द को पराजित किया, तो कुश्ती के शौकीनों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस बुलानी पड़ी। उस समय लोगों की सोच थी कि जानबूझकर एक डमी पहलवान उतारा जाता है ताकि मुकाबला मनोरंजक लगे और ये लगे कि हमीदा जीत रही हैं। हालांकि ये कभी सच साबित नहीं हुआ। भारतीय शेरनी हमीदा बानो ने 1954 में मुंबई में रूस की मादा रीच कहलाने वाली वीरा चेस्टेलिन को 1 मिनट से कम समय में मात दे दी। तब उन्होंने कहा था कि वो यूरोपीय पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए यूरोप जाएंगी। कहते हैं जब हमीदा ने यह फैसला किया कि वो यूरोप जाएंगी, उसी दिन उनका पतन शुरू हो गया। दरअसल उनके ट्रेनर जो थे सलाम पहलवान, उनको ये बात रास नहीं आई। आपको बता दें, सलाम पहलवान ने लाठी से हमीदा बानो के हाथ पांव तोड़ दिए थे, ये रिपोर्ट कहती है। बरसों तक उन्हें लाठी के सहारे चलना पड़ा। इस वजह से सलाम और हमीदा के बीच गहरी दुश्मनी हो गई। जब भी दोनों सामने आते तो उनके लोग आपस में लड़ने लगते थे। आखिरी दिनों में हमीदा का जीवन बहुत तंगहाली में गुजरा। दूध बेचकर किराए से उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी। एक बात हमेशा रही कि पहलवानी में उनका कोई सानी नहीं था और उनसे कोई मर्द जीत नहीं पाया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर